2.0 जब से रिलीज हुई है तभी से फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अक्षय और रजनीकांत की इस फिल्म ने आमिर की ठग से लेकर प्रभास की बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वहीं हाल ही में हमने आपको बताया था कि 2.0 ने वर्ल्ड वाइड लगभग 620 करोड़ की कमाई कर पद्मावत और संजू को पीछे छोड़ दिया था। वहीं अब लीजिए अक्षय की इस फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया, वो भी फिर से पद्मावत और संजू जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर तीनों भाषाओं में 2.0 का नेट कलेक्शन 365 करोड़ हो चुका है और इसके साथ ये फिल्म 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले ये खिताब रणबीर कपूर की फिल्म संजू के नाम था जिसने तीनों भाषाओं में 341 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था। तीसरे नंबर पर रणवीर सिंह की पद्मावत है जिसने हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में 300 करोड़ 26 लाख जमा किए। कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय की 2.0 हर किसी पर भारी पड़ रही है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी 2.0 आने वाले दिनों में और कितने रिकॉर्ड अपने नाम करती है। वैसे आपको क्या लगता है 2.0 बॉक्स ऑफिस पर और कितने दिनों तक टिक पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।